फर्क हो गया है, पहले की बहुत फर्क हो गया। पहले ऐसा यहाँ कोई एक मकान नहीं था जहाँ काम ना होता हो। लोग जो है आसपास के लोग आते थे तो कान में बंद करके कान में उंगली डालते थे कि इतना आवाज़ होता था, सब काम जगह जगह काम होता था। अब जो है एकदम सनासन है माहौल। जीएफटी के बारे में इस पे देख लीजिए, नए पे 12% जीएफटी है, अब पुराने पर 18% जीएफटी है। एक तो ही फर्क हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए। और यहाँ कच्चा माल है ही नहीं है, जो कच्चा माल मिलना चाहिए हमको रॉ मटेरियल यहाँ मिलता नहीं है। और यह काम मुश्किल से साल में 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। और नए युग में कोई कार्य 5 महीना ना पंडित थोड़ा सा कर बगल 5-6 महीना बने बहुत जोड़ के चलेगा, 6 महीने तो 5 महीना, 5 महीने से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा चलना नहीं है। और इसमें नए लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि 5-6 महीने कमाई से किसी का साल भर का खर्चा चलेगा नहीं, तो कैसे कोई इसमें आ गया। इतना तो और दिक्कत बढ़ गया, ऊपर से रॉ मटेरियल नहीं है यहाँ, यहाँ हम इसको नकदी नहीं बेच सकते हैं कि हमको जैसे तौल के हमको इतना पैसा मिले। दुकानदार ग्राहक को बेचते हैं कि इतना हुआ पुराना अनुकार ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे वहाँ वो भी नहीं है। अगर हम पुराना न मिले दुकानदार से या न ले दें तो नया हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ कच्चा के साधन तो है नहीं कि मिल जाएगा। आप लोग कहाँ से लाते हैं माल, कच्चा कहाँ से लाते हैं? कच्चा कहीं भी लाते हैं, यहीं से व्यापारी आते हैं, यहाँ के लोकल हैं जो लेते हैं, पुराना रखे रहा तो ही आके हमसे बदलाव के ले जाते हैं। हमको जो टैक्स देना होता है हम टैक्स लेते हैं देते हैं। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आए, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी चालू भी नहीं हुआ और लगभग 2.5-3 साल हो गए प्रोजेक्ट को चालू के लिए। रोज हमेशा बात करते हैं, रोज फार्म भरते हैं लोग, तमाम योजना आई है, प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, मगर कोई योजना कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। बस सारे कागज कार्रवाई होते हैं उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। किस तरह की योजना आई है, किस तरह की योजना आई थी? लोन योजना आई थी जिसमें आप 35% छूट मिल रहा था, वो भी सारे योजना केवल कागज कार्रवाई में। योजना के बारे में डिटेल बताइए, क्या क्या था? योजना था कि आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया लगा के आप बिजनेस कीजिए या अपना फिर से आप अपना काम चालू कीजिए और उसमें आपको 35% छूट मिलेगा, लेकिन वो 35% पैसा सरकार के यहाँ मतलब बैंक में जमा रहेगा और जब आप पूरा पैसा जमा कर देंगे तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। जब हम लोग बैंक पहुँचे तो बैंक वाले ये कहते हैं घर के कागज ले आओ तो 5 लाख आपका पास होगा। घर का कागज मांगते हैं, घर के कागज मांगते हैं और कहते हैं जिसको जो करना हो कर ले, बैंक वाले ही डायरेक्ट कहते हैं, कहना बुला लो जिस नेता को बुलाना हो, आएंगे यहाँ पर मोदी जी ऐसा बोलते हैं बुला लो मोदी जी को, अभी हम पास कर देते हैं। सैकड़ों साल पहले से यहाँ का जो है पीतल का काम, बहुत फूल का काम यहाँ होता रहा बहुत पहले से ही, और यहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते थे। आज ये स्थिति है कि यहाँ 10-5 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग सब बाहर चले गए, सब अपना काम कर रहे हैं, पेड़ जला रहे हैं लोग। यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, यहाँ लोगों के पास पूंजी नहीं है कि जो कि इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा लें। ये छोटा इंडस्ट्री था यहाँ पे, हाथ से लोग काम करते थे, रोलिंग मिले थी बंद हो गई यहाँ 10 साल से, सब कारोबार यहाँ का बंद हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ का व्यापारी वर्ग भी परेशान हो गया कि माल जब मिलता नहीं है तो यहाँ व्यापारी आना बंद कर दिया, यहाँ का व्यापार भी चौपट हो गया, इन कारीगरों के साथ साथ व्यापार भी चौपट हो गया यहाँ का। इस बार तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए तो इसको पीतल नगरी घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सहायता वहायता नहीं, अभी कोई सहायता नहीं। अच्छा, पहले आप 42 साल से काम कर रहे हैं, पहले कितने कारखाने यहाँ हुआ करते थे और अब कितने कारखाने? यहाँ तो पहले कम से कम 40 कारखाने थे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा 5-6-7 रह गया है। तो आप लोग कितना कमा लेते हैं दिन का, या दिन का कितना कमा लेते हैं? एक दिन में यही 200-250 रुपया का रह गया है, काम ना रहने के कारण। कैसे खर्च चलता है? अब उसी से अब हम लोग का पुराना पुश्तैनी काम है, अब इसमें बच्चे थोड़ी काम कर रहे हैं, जो नए पीढ़ी बच्चे आ रहे हैं उसमें अब उस पर लगाव नहीं रख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, अब क्या करेंगे यहाँ, जब यहाँ कोई काम नहीं रह गया है तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर ही अपना देखेंगे। हम यहाँ के बर्तन के कलाकार हैं और यहाँ का विकास जो है, जो यहाँ के अलग प्रकार के जो बर्तने यहाँ आ रही हैं, जैसे प्रेस वाली
प्रेस मशीन बेलन आधुनिकता जो है इसमें लाने के लिए सरकार की तरफ से जो कहा गया मदद मिलेगा, लेकिन वो कुछ अभी मिला नहीं। यहाँ जो है लोग कागज़ पर ही सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। जितने सरकारी कर्मचारी आते हैं वो कह करके बात करके बता करके चले जाएंगे, खाना पूर्ति अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, हम गए थे दौड़े पर हमारा कब हो गया काम, लेकिन यहाँ के लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी। हाँ, यहाँ जो है हमारे विधायक जी कोशिश कर रहे हैं, देखिए अगर कोशिश में लगे हैं हो सकता हो उन्हें यहाँ प्रोजेक्ट लग जाए, जो क्लस्टर योजना यहाँ आया है। लोग तो बता रहे हैं कि क्लस्टर योजना जो है वो आपके यहाँ आई, सांसद जी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो है उसमें किसी से कोई रुपये कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना कुछ मिला। सांसद जी कोशिश नहीं किए, सांसद जी कोशिश किए होते तो यहाँ वो लग गया होता। कौन सांसद? शरद त्रिपाठी जी थे सांसद, जो आप लोग तो सब मीडिया वाले सब तो देख ही रहे हैं, जूता कांड वाला। इसीलिए आप लोगों ने उनको चुन है? इसीलिए आप लोगों ने उनको चुन के भेजा? नहीं, हम लोग तो चुन के भेजे थे अच्छे काम के लिए, लेकिन अब सांसद महोदय हैं, उनकी क्या विचारधारा थी कि जो है विधायक जी से तालमेल नहीं बैठ रहा था। विधायक जी कुछ अलग करना यहाँ चाहते थे, यहाँ के लिए मदद करना चाहते थे, क्योंकि विधायक जी मेरे यहीं क्षेत्रीय हैं, वह चाह रहे थे कि यहाँ का विकास हो जाए। और सांसद महोदय का क्या विचार था, वो लगे रहे क्लस्टर को इधर उधर खसकाने में हैं, क्लस्टर यहाँ ना दे करके दूसरे के नाम, मेहदावल का कोई है वहाँ के, उनके वहाँ क्लस्टर उसके नाम से पास कराते हैं, मैनेजमेंट वहाँ जो है उनको मैनेजर बना रहे थे हैं। कि जो आप लोग का जो है ये 3 महीने काम चलता है ना, तीन चार महीने, बाकी के सीजन में क्या चलता है, कैसे होता है? नहीं, जैसे अब यही है, क्या करेंगे बाकी सीजन, क्या करते हैं लोग, घूमते हैं खाते हैं, 3-4 महीने 5 महीने जो कमा लेते हैं उसको घूम के खाते हैं, नहीं तो जिसका नहीं चलता है तो दूसरा काम करता है, बाहर चले जाते हैं, काफ़ी लोग बाहर भी चले गए हैं। यहाँ पर कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ मैं। कितना फ़र्क है 20 सालों में और अब? बहुत फ़र्क आ गया है यहाँ पर, अब काम नहीं है उतना, मजबूरी है जो है, अभी सीजन का टाइम है, 2-3 महीने काम चलेगा। सीजन क्या मतलब, शादी ब्याह? हाँ, इस सीज़न लगन का टाइम है जो शादी ब्याह का, इसी में जो काम चल जाता है, उसके बाद तो ये काम फिर बरसात आते ही ठप हो जाता है, फिर 4-5 महीने 6 महीने। बाकी 4-5 महीने क्या करते हैं? मजदूरी उजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और क्या करेंगे ना कुछ बच्चों के लिए अपने। आपने जब शुरू किया था ये काम करना, तो उस समय क्या 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 था माहौल और कैसे आपका ये बिजनेस चल रहा था? उस समय तो थोड़ा बहुत ठीक ही था बिजनेस, लेकिन अब इधर जो है बहुत ढीला हो चुका है, महंगाई मार गई है, फिर माल ले आने में पहले दिक्कत, अब भी दिक्कत है, पुराने का स्टॉक हम लोगों के पास नहीं है, जब पुराना नहीं होगा तो हम क्या गलाएंगे क्या बनाएंगे। कितना काम करते हैं आप यहाँ बैठ करके, कितने घंटे? हम यहाँ कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे काम करते हैं। दिन का कितना कमा लेते हैं? दिन का 250-200 ज़्यादा ज़्यादा। अपने परिवार में कितने बच्चे हैं, फैमिली कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं। तो कैसे खर्चा चलता है आपका सारा? अब इसी में चलाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी ऊपर वाला कर देता है इसमें सबका गुजारा हो जाता है। पीतल वाला काम धीरे धीरे खसक रहा है, स्टील ज़्यादा कवर कर लिया तो कहाँ से इतना ज़्यादा ही चलेगा, और जो चलना भी चाहिए जो सस्ता पड़ता आदमी ले भी, लेकिन अब कोयला है साला 20 रुपया किलो 16 रुपया किलो पड़ रहा है, जब तक हम मिर्जापुर से मंगावा तो 20 रुपया किलो भाड़ा वहाँ से पड़ रहा है, तो तमाम चीज़ परेशानियाँ। इसका लस्टर PLX मुरादाबाद से मंगाओ और के मंगाओ तो उतना दूर से भाड़ा, यहाँ कुछ मिलता थोड़ा किसी चीज़ का डिपो नहीं है, तो हर चीज़ लागत तेज़ पड़ता है, इस नाते उतना काम नहीं चल पाता है, बिकता नहीं, जब सस्ता पड़ेगा तो बिकेगा। मतलब सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार के 5 साल और 2 साल योगी ने, आपके आपकी इस नगरी को पीतल नगरी कह दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। कह दिया हुआ कुछ नहीं है, कार्रवाई चल रही है, काम हो रहा है, कुछ कमेटी यहीं बनी है उसमें। कैसी कमेटी? अरे क्लस्टर योजना आया था एक है उसमें, अब एक यहीं 2-3 लोग हैं बाजार में, वो अपने घर घराना बना करके उस मेंबर समिति बना करके सब अपना लूट खा रहे हैं। माल जैसे मिर्जापुर से आता है वो भी महंगा पड़ता है, कानपुर से मंगाते वो भी महंगा पड़ता है, इसे भाड़ा कम से कम, भाड़ा तो महंगा हो गया 10-15 रुपये KG महंगा पड़ जाता है। अगर यहाँ वो डिपो होता किसी चीज़ का, ब्रास का या जिंक का कोयले का, तो हम लोग का भाड़ा कम बैठता, वो 10-15 रुपये बचत होता हम लोगों को, बाकी वो 10-15 रुपये बचत तो बाहर बाजिए रहे हैं, हम लोग तो इसी मेहनत भर कर रहे हैं। तो जितने
समय सीजन होता है उस समय उतना चलता है, जिस समय सीजन नहीं होता है उस टाइम क्या, उस टाइम कैसे आप लोग का इनकम होता है? उस साल जैसे जो मान इसी समय बचा हुआ है वही बैठ कर हम लोग खाते हैं, जब काम नहीं चलता है जो हमारे पूंजी रहता है उसी को हम खाते हैं। हमारे हमारे अर्निंग सावन भारत में कुछ नहीं था, आज मान हमारे अर्निंग 10,000 रुपये है तो उसी में खाते पीते जो बचा उसी को फिर हम बाद में खा के उड़वा देते हैं, मेहनत करते हैं इसमें। लेकर के जो है कितना फर्क पड़ता है इस काम से? स्वास्थ्य को लेकर बहुत फर्क पड़ता है इससे, अगर इससे जो हमारा काम है बफिंग का काम जो हमारा है, इसमें जो कचड़े का काम है ये, इसमें नाक में मुंह में गर्दा जो जाता है इससे आदमी को टीवी का मरीज होने का बहुत चांस रहता है, इसके लिए बचाव करना पड़ता है हम लोगों को, केला और क्या कहते हैं गुड़ उड़ खाना पड़ता है तो वही खा करके अपन बचा लेते हैं कैसे करके। कभी हुआ है क्या कि इससे कभी कोई किसी को कुछ दिक्कत हुई हो, किसी की डेथ वेथ हुई हो? लोगों को दिक्कत हुई है और बहुत से लोगों ने इसके वजह से भी काम छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने काम न रहने की वजह से काम छोड़ दिया है, बचे कुचे लोग हैं यहाँ पर जो इसमें फंसे हुए हैं, नहीं तो बाकी सब लोग तो यहाँ से निकल ही रहे हैं धीरे धीरे करके। शरद त्रिपाठी को जो प्रोजेक्ट मिला था किस टाइप का प्रोजेक्ट था, क्या वो कवेस्टर योजना था? वही काम उसमें सारी कामें होती, मन ज्यादा चीज बनती जैसे कुछ मुरादाबाद का भी आइटम बनता, कुछ जो कुछ होकर हमारे चलता वो भी बनता, और जो बाहर से माल आता हो सकता वो भी बनता, इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है लफड़ा में वो चला गया, अभी तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने टाइमिंग टेन्योर में 5 साल में क्या काम किया आपके आपके यहाँ के लिए? हमारे यहाँ कुछ नहीं किए, हमने अन्य कई बार लोकसभा में नहीं कुछ किए हैं। आप तो बिजनेस क्लास जो है, आप लोग का जो व्यापारी वर्ग है वो तो बीजेपी का कोर वोटर है, और आप लोग नहीं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग तो बिल्कुल बीजेपी के जो है हार्ड कोर सपोर्टर हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन आपको आपके बिजनेस पे बहुत मार है, आपका जिसे जीवन चलना है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, तो फिर आप किस बिना पर जो है किस चीज़ को लेकर के जो सपोर्ट करते हैं मुझे ये बताइए। ऐसा है जैसे जन्म जात हम लोग उसी में बाप दादा चले जाए उन्हीं के संस्कार के उधार से चल रहा है। वोट जो हर 5 साल पे होता है वो ये होता है कि आप जो है जिस सरकार से खुश नहीं है, जिस सांसद से खुश नहीं है उसको हटाने की टाइमिंग होती है। अभी समस्या यही आया है ना, ये समय आया है, हम लोग जैसा इच्छा करेगा वैसा काम करेंगे अपना मतदान।